Hi guys, this is Manisa. Welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी preparations भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So friends, लेकर आ चुकी हूँ फिर से एक नई ज़बरदस्त job update आप सभी के लिए, जो कि directly निकल कर के आ रही है आपको BPSC की तरफ से, बिहार टीचर वैकेंसी 2023 के लिए. ये फ्रेंड्स आपको मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. तो अगर आप इस वीडियो को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना. सो फ्रेंड्स, BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टीचर भर्ती 2023 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है. बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई है. इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या रिक्वायर्ड रहेगा. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपका 1,70,461 आपको निकल के आई है. वही अगर जो स्कूल वाइज होती है, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसी है, हायर सेकेंडरी टीचर्स की वैकेंसी है, तो ये मैं बता देती हूँ कि टोटल कितने कितने सीट्स आपको किस स्कूल के टीचर्स के लिए कितना आया है. फ्रेंड्स, प्राइमरी टीचर के लिए आपको 79,943 टोटल सीट्स आई हैं. सेकेंडरी टीचर्स के लिए आपका 32,916 टोटल सीट्स आई हैं. हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए फ्रेंड्स आपका 57,602 सीट्स निकल के आपको आई है. मतलब कि टोटल आपका सीट जो है वो आपका 1,70,461 रहने वाला है. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा. तो आपका ये फॉर्म जो है वो आपको 15th of June 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको लास्ट डेट जो है वो आपको 12 जुलाई को रहने वाला है. सो आपको फ्रेंड्स, जैसे ही 15 जून को ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको सर्वर इशू होता है और बाद में फिर आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है. फॉर्म के फ़ी की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपको जनरल, BC, EBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए आपको 750 रुपीज़ लगने वाला है. मतलब कि जैसा बिहार में आपको OBC नहीं होता है, BC और EBC होता है, सो उनको भी फ्रेंड्स यहाँ पे 750 रुपीज़ लगने वाला है. और आपको SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए आपको 200 रुपीज़ आपको इस फॉर्म की फ़ी ली जाएगी. एज लिमिट आपका एज ऑन 1st of August 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा. तो आपका प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो आपका मिनिमम एज है वो आपको 18 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज आपका 37 रहने वाला है, 37 ईयर्स. और आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स रहेगा. सेम टू सेम आपको हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है मिनिमम 21 ईयर्स और आपका मैक्सिमम 37 ईयर्स रहने वाला है. सो ये जो फ्रेंड्स आपको मैंने 37 ईयर्स मैक्सिमम एज बताया, वो आपको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है. अगर आप EC या EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है. मतलब आपके लिए जो मैक्सिमम एज रहेगा वो आपका 40 ईयर्स का रहेगा. वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपके लिए मैक्सिमम एज आपको 42 ईयर्स रहेगा. और इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट रहने वाला है फ्रेंड्स, यानी कि इसके एग्ज़ाम की डेट जो है वो भी आपको अनाउंस कर दिया गया है BPSC के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे. ये भी आपको नोटिस निकाल दिया गया कि आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो आपका अगस्त में होगा. मतलब कि आपका एग्ज़ाम डेट 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 और 27 अगस्त को अनाउंस कर दिया गया. सो आपको अगस्त आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको अभी से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना है इस एग्ज़ाम को लेकर, अगर आप सीरियस हो इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो.
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फ्रेंड्स, इसके लिए थोड़ी सी आपको जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, बट मैं आपको थोड़े से आसान भाषा में इस चीज़ को समझा देती हूँ। बाकी आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जाके नोटिफिकेशन को थोड़ा आउट रीड कर लेना, क्योंकि अथवा अथवा करके बहुत सारा आपको उसमें दे रखा है, तो वो सब चीज़ आप जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है वो आपको 12th+ DLED पास आउट होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए भी आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। मतलब ये मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इसका जो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपको सिंगल एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स वालों का जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 210 देखने को मिलते हैं। आपका जो मार्क्स होता है वो 210 होता है, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क्स दिया जाता है। आपका पेपर 2 आवर्स का होता है। और वही सब्जेक्ट वाइज मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊँ, आपके फर्स्ट सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो क्वालिफाइंग होता है। आपका पार्ट 1 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में आपको हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, उससे आपको फ्रेंड 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आपका पार्ट 3 में जनरल स्टडीज़ के आपको 120 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपको टोटल 210 क्वेश्चन 210 मार्क्स के आपके 2 आवर्स में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वही अगर मैं सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको बताओ तो दोनों का पैटर्न जो है वो फ्रेंड्स आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। मींस कि आपका लैंग्वेज का क्वालिफाइंग रहता है जिसमें पार्ट 1 में इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। आपको पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू या बंगाली, तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, आपने उसे ऑनर्स कर रखा है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और आपका लास्ट सेक्शन आपका रहता है जनरल स्टडीज़ का, उसका आपको फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 220 रहता है और आपका 220 मार्क्स के रहते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा और आपका पेपर 2 आवर्स का रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये बिहार स्कूल टीचर्स की वैकेंसी है, तो आपका जॉब लोकेशन तो बिहार में ही रहने वाला है। और इस जॉब के रिगार्डिंग आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर वालों के लिए आपका इनिशियल इन हैंड सैलरी 25,000 रहता है और आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए आपका 31,000 जो है इनिशियल इन हैंड सैलरी रहता है। वहीं अगर मैं आपको हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बात करूँ तो आपका 32,000 आपका मिनिमम इनिशियल इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सब जो है आपको बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया। आपको बीपीएससी की जो टीचर रिक्रूटमेंट 2023 की डिटेल्स है नोटिफिकेशन की, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ के समझ के आप एक बार देख लेना। और आपको मैंने जो कुछ भी बताया है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे के कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आप सभी तक जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी सारे न्यू जॉब अपडेट्स के बारे में पता चल सके। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।